अब बढ़ते हैं हरियाणा की ओर, जहां चरखी दादरी और कुरुक्षेत्र में आज पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा है और चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा की गई है। जी, हरियाणा के विधानसभा चुनाव जो है इस साल के वो शुरू होने ही वाले हैं जल्द ही, और उसके लिए हर एक राजनीतिक पार्टी जो है वो अपने स्टार प्रचारकों को यहाँ पर उतारने पर जुटी हुई है, और पीएम मोदी जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर रैलियां कर रहे हैं। कल भी उन्होंने हरियाणा में कई जनसभा की। वहीं आज की बात की जाए तो आज चरखी दादरी और कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी जो है वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा के जितने भी प्रत्याशी हैं उनके लिए यहाँ पर वोट अपील की जाए। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार जो चप्पे चप्पे पर यहाँ पर कड़ी सुरक्षा रखी गई है, क्योंकि पीएम मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनके आने की यहाँ पर पूरी जो तैयारियां हैं वो कई समय पहले से ही यहाँ पर की जा रही थी, और उसके बाद कड़ी सुरक्षा यहाँ पर की गई है, और यहाँ पर कुल मिलाकर 20 नाके लगाए गए हैं, और साथ ही बात की जाए तो 10 SP, 3 ASP, 21 DSP और 50 इंस्पेक्टर सहित 2400 पुलिसकर्मी इस पूरी जो वहाँ पर व्यवस्था है उसे देख रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रहे हैं। वहीं 20 एम्बुलेंस और साथ ही 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी वहां पर लगाई गई हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो पाए और पूरी तरीके से इसे देखा जाए। साथ ही अगर हरियाणा यहाँ पर चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी ने नारनौद विधानसभा सीट से कैप्टन अभिमन्यु को प्रत्याशी बनाया था, और उसके लिए कल यानी सोमवार को अमित शाह को यहां पर आना था, और अमित शाह की तबीयत जो था स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था तो उसकी वजह से वो नहीं आ पाए। उसके लिए यहां पर अमित शाह ने एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने माफी मांगी है जनता से, नारनौद की जनता से, कि वो यहां नहीं आ पाए, उन्हें आना था। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ उस वीडियो में ये अपील भी की है कि भाजपा के प्रत्याशी यानी कि कैप्टन अभिमन्यु को जिताएं और उन्हें वोट दें।